हेलो, मेरा नेम जायूस, एके टेक रेडिएटर। ये मेरा सेकंड चैनल है और मैं ये अपनी पहली वीडियो इस चैनल पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी मैंने जितनी भी सारी वीडियोस बनाई है मैंने उस पर रीपोस्ट किया है, और ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पे। और पुरानी वीडियोस अभी बाकी हैं, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, और बीच बीच में मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के लॉन्च इवेंट के बारे में, जो कि कल रात था 10:30 बजे। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो कि है आईपैड मिनी, एप्पल वॉच सीरीज 7 और आईफोन 13 लाइनअप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपैड मिनी के बारे में। ये मिनी के नाम से ही लग रहा है कि छोटा आईपैड होगा, जैसे आईफोन 12 मिनी था वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा फ़ोन था, वैसे आईपैड मिनी है। तो बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 8.3 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है, और इसमें आपको टच आईडी भी देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, और इसमें आपको एक सेंटर स्टेज करके एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप वीडियो कॉल वगैरह में ऑटोमेटिक ये जूम इन जूम आउट कर लेता है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है एप्पल वॉच सीरीज 7। इसमें आपको बहुत सारे नए अपडेट मिल जाते हैं। पहला अपडेट है डिस्प्ले में, इसमें आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि बनी है सिनेमिक शील्ड से, और इसमें आपको ECG वगैरह सब मिलते हैं, स्लिप ट्रैकिंग वगैरह जो आपको सीरीज 6 में मिलते थे। और इसमें आपको मेजर अपडेट किया गया डिस्प्ले में, जो कि आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है, और 40% सीरीज 6 से ज़्यादा बिगर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। सीरीज 6 से ये थोड़ा सा पतला है, और इसमें आप मोड मिलता है, आप जब भी साइकिलिंग करें और कभी रुक जाएं फिर साइकिलिंग स्टार्ट कर दें तो इसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है आप कितने देर के लिए रुके थे, जिससे आप एकदम एक्यूरेट डेटा काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे लिखा थे कि एप्पल वॉच सीरीज 7 का इस प्रकार का लुक होगा कुछ, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है, जबकि सेम डिज़ाइन दिया गया है एप्पल वॉच सीरीज 6 की तरह, और थोड़ा सा बस पतला हो गया है, बट ये वाला जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता है। मैं सोच रहा था एप्पल वॉच सीरीज 7 कुछ इसी प्रकार का आएगा, क्योंकि लीक्स यही बता रहे थे, बट ये भी अच्छा है कर्व डिस्प्ले दिया गया है इसमें। करते हैं तीसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है 13, 13 मिनी, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, जिसके लिए हम लोग सभी लोग एक्साइटेड थे, और मैं भी कल रात को इसी के लिए मैंने पूरा लॉन्च इवेंट देखा। तो बात करते हैं 13 मिनी के बारे में। इसमें आपको A15 बायोनिक चिप देखने के लिए मिल जाती है। पिछली बार से इसका कैमरा मॉड्यूल भी चेंज कर दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार का लुक देता है। इसका अपर्चर भी पहले से बड़ा कर दिया गया है, और इसमें आपको स्टेबलाइजेशन और अच्छी देखने की मिल जाती है पुराने वाले से। इसमें आपको हल्की सी छोटी नॉच देखने की मिल जाती है, जो कि है 20% स्मॉलर देन 12 मिनी। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से ही 12 मिनी बहुत छोटा फ़ोन था, या तो ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिल जाता तो और अच्छा लगता है। और प्राइसिंग एकदम सेम है पुराने 12 मिनी की तरह, जो कि है 70,000 रुपये। और बात करते हैं आईफोन 13 के बारे में, इसमें भी आपको A15 बायोनिक चिप देखने के मिल जाती है, इसमें भी आपको 20% स्मॉलर नॉच मिलता है, इसमें भी आपको कैमरा मॉड्यूल थोड़ा अलग देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको स्टेबलाइजेशन और अच्छी मिल जाती है, और आईफोन 13 की प्राइसिंग है 80,000 रुपये। और बात करते हैं 13 प्रो के बारे में, तो इसमें आपको सबसे बड़ा अपग्रेड मिलता है डिस्प्ले में। इसमें आपको 120Hz का प्रो मोशन डिस्प्ले मिलता है, जो कि वेरिएबल है, आप जब भी ज़्यादा यूज़ करें तो 120Hz पे काम करता है, और आप कम यूज करें तो वो 10Hz तक आ सकता है, और इसमें भी आपको 20% स्मॉलर नॉच देखने की मिल जाती है, और इसमें भी आपको A15 बायोनिक चिप मिलता है, और आईफोन 13 प्रो की प्राइसिंग है 1,20,000 रुपये। और बात करते हैं 13 प्रो मैक्स के बारे में, तो इसमें भी आपको 120Hz का वेरिएबल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, आप कब ज़्यादा यूज करते हैं तो 120Hz पे रहता है, और आप कम यूज करें तो ये 10Hz तक आ सकता है, और इसमें भी आपको कैमरा मॉड्यूल जो है वो थोड़ा और बड़ा मिलता है, अपर्चर बढ़ा दिया गया है, और इन सारे कैमराज में एक फीचर है सिनेमैटिक वीडियो का, आप ब्लर शिफ्ट कर सकते हैं, या दो आदमी हैं उनके बीच ब्लर शिफ्ट करते हैं क्लिक करके भी, और ऑटोमेटिक ब्लर ये शिफ्ट कर लेता है, और आप वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप ब्लर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कूल फीचर लगा मुझे भी पर्सनली, यही फ़ीचर अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उसमें प्रो मोड में जाके मैं फोकस एडजस्ट करके ऐसा लुक ले आ सकता हूँ, लेकिन इसमें आपको एक फ़ीचर मिलता है तो जो कि बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आईफोन्स का वीडियो रिकॉर्डिंग नेक्स्ट लेवल होता है, क्योंकि मैं अभी भी नॉर्मल 30,000 तक कोई सा भी फ़ोन एंड्रॉयड का ले लूँ, और आईफोन का 7 जो कि बहुत ज़्यादा साल पुराना फ़ोन है उससे कंपेयर करूँ तब भी ये पीछे रह जाएंगे, और आईफोन 7 का कैमरा बहुत ज़्यादा सही लगेगा आपको। तो बस ये था आईफोन 13 लाइनअप, आप बताना कैसा लगा, मुझे तो पर्सनली ये सिनेमैटिक वीडियो वाला फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आईफोन 13 प्रो मैक्स की प्राइसिंग है 1,30,000 रुपये।
और इन सभी फ़ोन्स में बैटरी बैकअप इंक्रीज किया गया है। आईफोन 13 और 13 मिनी में आपको 1.5 घंटे ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है पुराने वाले वर्जन से, और आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में आपको 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है एक्स्ट्रा पुराने वाले वर्जन से, जो कि अच्छा अपग्रेड है पुराने वाले वर्जन से। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।